अगर आपके जेब में 15,000 रुपये और आप एक ऐसा पीसी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हर गेम इजीली रन कर ले, क्योंकि ये पीसी हमारे पास एक लोअर मिड रेंज के पीसी होने वाला है, इसमें हमने जो पीसी बिल्ड करना है वो इस बजट के लिहाज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीसी बिल्ड होने वाला है कि ये हर गेम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पीसी बिल्ड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के प्रोसेसर के हवाले से कि इस पीसी बिल्ड में हम कौन सा प्रोसेसर यूज करने वाले हैं। इस पीसी बिल्ड में जो प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो है फैंटम 2 बाय एएमडी। इस प्रोसेसर की खास बात मैं बताता चलूं तो ये 4 कोर और 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। इसमें हमें दो मॉडल देखने को मिलते हैं। पहला मॉडल हमें देखने को मिलता है 2.8 गीगाहर्ट्ज बेस स्पीड के साथ, और दूसरा मॉडल हमें जो देखने को मिलता है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ। अब यहाँ पर जो मैं प्रोसेसर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो 3.2 गीगाहर्ट्ज स्पीड वाला है, जो कि है फैंटम X2 बाय AMD इसका मॉड्यूल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे से, मदरबोर्ड हम इस पीसी बिल्ड में कौन सा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड के नाम के वाले से बात कर लेते हैं। टर्बो 3D का GA88 है। अब यहाँ पर इस मदरबोर्ड की खासियत यह है कि ये हम इस पे एट दिस टाइम हम फैंटम 2X4 लगाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने की हमें ऑप्शन देखने को मिलती है। अपग्रेड हम इसमें कर सकते हैं कि अगर हम X6 लगाना चाहें, और X8 भी हम इस मदरबोर्ड के साथ पैच कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये मदरबोर्ड FX सीरीज के प्रोसेसर्स को भी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर हम FX 8300 तक इस पे सपोर्ट करता है, जो कि FX सेकंड जनरेशन के बराबर आ जाता है। अब हम इसमें रैम के बारे में बात करते हैं कि इस पीसी बिल्ड में हम कितनी रैम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रैम्स की प्राइस आजकल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो 3000 रुपये में हमें 8GB DDR3 की देखने को मिल जाती है, और DDR3 की भी हमें जो देखने को मिलेगी वो 1330 मेगाहर्ट्ज़ की होगी, यानी कि बगैर हीट सिंक वाली नॉर्मल रैम्स हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई के हवाले से कि हम पावर सप्लाई कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो GPU हमारे पास इस पीसी बिल्ड में होने वाला है वो कोई ज़्यादा हैवी GPU नहीं है, तो इस वजह से हम इसकी प्राइस के हवाले से और हम अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई ज़्यादा हैवी GPU अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर एक नॉर्मल ब्रांडेड PSU की तरफ ही जाएंगे। यानी कि एक नॉर्मल ब्रांडेड PSU की पावर होती है 380 वॉट्स या 350 वॉट्स। के बाद बात करते हैं कि हम केसिंग कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इतना हाई एंड पीसी नहीं है कि इसके लिए हम एक 10-12 हज़ार रुपये की केसिंग इस्तेमाल कर लें। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ब्रांडेड केसिंग इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे नॉर्मल पीसीज के साथ आया करती है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं, अब हम इस कैबिनेट के स्टोरेज के हवाले से बात करने वाले हैं कि इस कैबिनेट में हम कौन सी स्टोरेज लेने वाले हैं। हमने सबसे ज़्यादा टू काउंटर करना है, हमने सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखनी है वो हमने बजट देखना है कि हमारे पास जो बजट है वो कोई ज़्यादा नहीं है। अब हम यहाँ पर 250 GB की हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करने वाले हैं इस पीसी बिल्ड के लिए। अब यहाँ पर हम बगैर ग्राफिक कार्ड के प्राइस की एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पर हमें 7000 से 7500 रुपये में हमें ये पीसी देखने को मिल जाएगा आसानी से। फैंटम 2X4, अच्छा मदरबोर्ड, 8GB रैम, नॉर्मल केसिंग, नॉर्मल पावर सप्लाई। पीसी बिल्ड में जो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन जिस पार्ट की होती है वो होती है GPU, यानी कि ग्राफिक कार्ड की सबसे ज़्यादा प्राइसिंग भी होती है और सबसे ज़्यादा ही रोल होता है गेमिंग के दौरान। 15,000 रुपये के कंप्यूटर में हम ग्राफिक कार्ड जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है GTX 750 Ti। 750 Ti की खासियत यह है कि NVIDIA की तरफ से हमारे पास एक ग्राफिक कार्ड आता है। ये ग्राफिक कार्ड 2GB DDR5 है, 128 bit। अगर हम इस ग्राफिक कार्ड की तारीफ करते हैं तो ये ग्राफिक कार्ड 2017 में रिलीज़ हुआ है, और उस वक्त का ये बजट किंग और ये आज की भी हर गेम इजीली रन करने का काबिल है। GTA 5 पर अगर हम बात करते हैं तो GTA 5 पर ये गेम हाई सेटिंग्स पर इजीली 60 FPS ही हमें PC प्रोवाइड करेगा, और दूसरी गेम्स के बारे से बात करें नॉर्मल और हाई सेटिंग्स पर इजीली बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करने वाली है। PC अगर आपने बिल्ड करना है तो खरीद लें, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके थोड़े ही अरसे बाद हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और इसी तरह हर चीज़ की प्राइसिंग में बहुत ही ज़्यादा हमें जंप देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं GPU के प्राइस की। तो GPU का प्राइस हमें यहाँ पर 8000 से 7500 तक मिल जाएगा। अब हमें 7500 से 8000 में ये ग्राफिक कार्ड ईजीली देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको टोटल कंप्यूटर की प्राइसिंग के हवाले से बताता हूँ कि हमने टोटल कंप्यूटर में क्या चीज़ इस्तेमाल की है, और ये पीसी बिल्ड एक बेहतरीन पीसी बिल्ड है कि अगर आपके पास अगर 15,000 रुपये हैं तो आपके पैसे बिल्कुल ही पूरे होने वाले हैं इस पीसी बिल्ड के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। फैंटम 2X4, 8GB ऑफ रैम, 250 GB की हार्ड ड्राइव, 350 वॉट्स की नॉर्मल ब्रांडेड पावर सप्लाई। और GPU की अगर हम बात करते हैं तो GPU हमारे पास जो हमें देखने को मिलता है वो है GTX 750 Ti। अब हम सारे पैच की बात करते हैं कि ये बॉटम लैग बिल्कुल नहीं करता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।